हेलो गाइस, दिस इज शुभम साहू और आप देख रहे हैं हम सब यूट्यूब चैनल टी डब्ल्यू पी ट्यूटर विदाउट पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डब्ल्यू पी जेई के बारे में, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, डब्ल्यू पी जेई 2021 का बारे में आज पूरा बात करने वाले हैं। तो अगर किसी को डब्ल्यू पी जेई के बारे में पता नहीं है तो आज सारा कुछ आप लोग डाउट क्लियर होने वाला है आज के इस वीडियो में। तो डब्ल्यू पी जेई एक जस्ट लाइक एक जेई मेंस या जेई एडवांस टाइप का एग्जाम है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सारा जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वेस्ट बंगाल में उसमें एडमिशन के लिए आपका डब्ल्यू पी जेई एग्जाम होता है। ऐसे जैसे जितना भी इंडिया में कॉलेजेस है इंजीनियरिंग कॉलेजेस उसमें एडमिशन के लिए जेई मेंस होता है, जेई एडवांस होता है आई आई टीज के लिए, उसी तरह वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वेस्ट बंगाल में जितना भी सारा इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2021 का, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 23 मार्च आप लोगों का लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर किसी को डब्ल्यू पी जी एग्जाम देना है और अगर किसी को डब्ल्यू पी जी थ्रू से कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में बंगाल में एडमिशन लेना है तो आप लोग जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 23 को आप लोगों का लास्ट डेट है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत किसी को कंफ्यूजन होता है कि मैं डब्ल्यू पी जी एग्जाम दूँ या नहीं, बहुत किसी को कंफ्यूजन है कि हम डब्ल्यू पी जी एग्जाम दें या नहीं, क्योंकि सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि बच्चा लोगों का मेन प्रॉब्लम ये है कि 90% डोमिसाइल कर दिया जादवपुर यूनिवर्सिटी में। तो बहुत किसी का कंफ्यूजन होता है कि हम डब्ल्यू पी जी एग्जाम में देके हम टाइम वेस्ट करें या नहीं। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे या मेरा ओपिनियन लोगे तो डब्ल्यू पी जी एग्ज़ाम जरूर दो। अगर किसी का इनकेस जेई मेंस अच्छा जाता नहीं है, जेई एडवांस अच्छा जाता नहीं है या अच्छा कॉलेजेस नहीं मिलता, अच्छा ब्रांच नहीं मिलता, तो आप लोग का एक ऑप्शन रहता है डब्ल्यू पी जी के थ्रू, क्योंकि डब्ल्यू पी जी के थ्रू आप लोग सबसे मेन कॉलेज जो है आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पढ़ता हूँ जेयू, वहाँ पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई भी ब्रांच मिले अच्छा से अच्छा ब्रांच मिले तो आप लोग वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर आप लोग जेई मेंस अच्छा जाता है या अच्छा आप लोग कॉलेजेस मिलता है तो आप लोग भी जेई मेंस के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, बट आप लोग को ऑप्शन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर डब्ल्यू पी जेई आप लोग अच्छा चल जाता है, आप लोग को जेयू में सी एस ई मिल जाता है या आई टी मिल जाता है या ई सी मिल जाता है तो आप लोग आराम से वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ई सी हो गया, आई टी हो गया या सी एस ई हो गया जेयू में वन ऑफ द टॉप ब्रांच है आप लोग का जेयू में सी एस ई आई टी ई सी या बाकी आई आई टी से भी, बहुत सारे आई आई टी से भी, बहुत सारे एन आई टी से भी अच्छा अच्छा प्लेसमेंट होता है आप लोग का सी एस ई हो गया, आई आई टी हो गया, ई सी से जेयू का। इसलिए आप लोग को ऑप्शन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर डब्ल्यू पी जी एग्ज़ाम दीजिए, ज़्यादा टफ होता नहीं है। आप लोग का बेसिकली दो पेपर होता है डब्ल्यू पी जी का, एक पेपर वन है पेपर टू। पेपर वन में क्या होगा मैथमेटिक्स का होगा और पेपर टू क्या होगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। पेपर वन में मैथमेटिक्स आप लोग 100 मार्क्स का और फिजिक्स केमिस्ट्री 100 मार्क्स का आपको होता है, 200 मार्क्स का आप लोग का टोटल पेपर होता है। पेपर वन मैथमेटिक्स 2 घंटा आप लोग का और पेपर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग का 2 घंटा। सिंपल तो कुछ नहीं है, बस आप लोग 2-2 घंटा का पेपर देना है 4 घंटा का। अगर आप लोग का डब्ल्यू पी जी अच्छा चल जाता है और 150 मार्क्स आप लोग का आ जाते हैं एग्जाम में तो आप लोग को सी एस ई आराम से मिल जाएगा जेयू में, कोई भी चाहे आउटसाइड डोमिसाइल हो या इनसाइड डोमिसाइल हो कोई बात नहीं, आप लोग आराम से डब्ल्यू पी जी के थ्रू जेयू में सी एस ई मिल जाएगा। इसलिए आप लोग डब्ल्यू पी जी एग्ज़ाम को छोड़िए मत। अभी भी रजिस्ट्रेशन डेट आप लोग का है 23 को आप लोग का लास्ट रजिस्ट्रेशन होने वाला है। वहाँ आप लोग जाइए डब्ल्यू पी जी का वेबसाइट पे, एक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सारा जितना भी सारा इंफॉर्मेशन है सारा कुछ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या पीडीएफ आप लोग को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन विद पेमेंट ऑफ फीस आपको कब ख़त्म हो रहा है 23 मार्च को, और फिर ऑनलाइन करेक्शन डाउनलोडिंग रिवाइज कंफर्मेशन पेज आप लोग कब हो रहा है 24-26। पब्लिकेशन ऑफ डाउनलोडेबल एडमिट कार्ड आपका कब हो रहा है 6-11 तक आप लोग का एडमिट कार्ड मिलेगा, 6 जुलाई से 11 जुलाई तक आप लोग, जुलाई में आप लोग का एडमिट कार्ड मिलने वाला है और जुलाई में भी आप लोग का एग्जाम होगा। 11 जुलाई टेंटेटिव डेट है आप लोग एग्जाम होने का, बट फिक्स नहीं है कि 11 जुलाई के होगा क्योंकि बहुत सारा अभी कोरोना वगैरह हो रहा है, फिर से आ रहा है कोरोना, तो शायद आप लोग का जुलाई में ना हो या पहले भी हो सकता है या लेट भी हो सकता है। अभी टेंटेटिव डेट आप लोग को दिया 11 जुलाई आप लोग को दिया है, तो आप 11 जुलाई के दोनों पेपर होगा, मैथमेटिक्स भी होगा फिजिक्स केमिस्ट्री भी, आप लोग का दोनों ही पेपर एक ही दिन होने वाला है, चाहे जुलाई में हो या पहले हो या बाद में हो, आप लोग का दोनों ही पेपर एक ही दिन होगा। पेपर वन मैथमेटिक्स हो गया और पेपर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो गया। अगर किसी को डाउट है कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है तो आप लोग स्टेप्स देख सकते हैं, स्टेप्स भी दिया हुआ है कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। अगर किसी को कुछ डाउट रहे आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हुए तो मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं शुभम अंडरस्कोर टीडब्ल्यूपी में, या मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग, मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, राइट। एग्जामिनेशन जो है बहुत सारा किसी को कंफ्यूजन होता है, जो आउटसाइड डोमिसाइल है जो वेस्ट बंगाल के बाहर हैं वो लोगों को सिर्फ एग्जामिनेशन जो सिर्फ कोलकाता में मिलने वाला है, बाकी जगह कहीं मिलने वाला नहीं है। बट जो वेस्ट बंगाल के हैं, जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं जिसको डोमिसाइल वेस्ट बंगाल है, वो लोग कहीं भी सेंटर भर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल हो गया नॉर्थ 24 परगना हो गया, पुरुलिया हो गया, कहीं भी आप लोग सेंटर दे सकते हैं। बट
आउटसाइड डोमिसाइल वालों के लिए सिर्फ कोलकाता आप लोग का एग्जामिनेशन जोन मिलने वाला है। तो इस तरह बहुत सारा किसी का कंफ्यूजन होता है, दिक्कत भी होता है। मान लो कोई बाहर का यूपी का बंदा है या कोई दिल्ली का बंदा है, उसको एग्ज़ाम देना है तो उसको आना पड़ेगा कोलकाता, और कहीं ऑप्शन नहीं है आप लोग का। रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन हो गया, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हो गया, और एप्लीकेशन टाइम टेबल आप लोग को दिखाई दिए। तो आप लोग का लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है? 23 मार्च आप लोग का लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। अगर किसी को WBJ देना है तो आप लोग 23 मार्च तक आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, राइट। और एक क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आया था मेरे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम में कि भैया पेपर कैसे टफनेस ऑफ पेपर कैसे रहता है। देखो मैथमेटिक्स अगर बात करें, मैथमेटिक्स का 100 मार्क्स का होता है हम लोग का मैथमेटिक्स पेपर वन, मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का होता है, 2 आवर हम लोग को टाइम मिलता है, 2 घंटा हम लोग को टाइम मिलता है मैथमेटिक्स में। तो आप लोग डिफिकल्टी लेवल का बात करें तो जेईई मेंस का जैसा मैथमेटिक्स का लेवल होता है उससे कभी कभी टफ आता है, उससे कभी कभी ईजी आता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैथमेटिक्स में जेईई मेंस से टफ आता है आप लोग का। और फिजिक्स केमिस्ट्री का जहाँ बात करें हम लोग 100 मार्क्स का होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, दोनों मिलाकर 100 मार्क्स का होता है पेपर टू आप लोग का, उसमें भी आप लोग 2 घंटा मिलने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री एज कम्पेयर टू जेईई मेंस थोड़ा ईजी रहता है। जेईई मेंस का जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है उससे बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है आप लोग का WBJ में। बट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन क्योंकि टाइम कंस्टेंट होता है, क्योंकि टाइम हम लोग कम है, 2 घंटा में हम लोग को 100 मार्क्स का बनाना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही हम लोग मिला के 2 घंटा में हम लोग को 100 मार्क्स का बनाना है, इसलिए मैथमेटिक्स थोड़ा टफ हो जाता है। और लेवल ऑफ क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स का थोड़ा हाई रहता है एज कम्पेयर टू जेईई मेंस में। तो घबराना एकदम नहीं है आप लोग, ये बुक WBJ का एक होता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन सॉल्व पेपर, 10 साल का पेपर सॉल्व कर जाइए WBJ का, आराम से लोगों को निकल जाएगा। अरिहंत का एक है, मैंने भी ये सॉल्व किया था अरिहंत का WBJ एंट्रेंस, आप लोग दिखता होगा WBJ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन सॉल्व पेपर 2006-2015 का ही वाला, मैंने पुराना वाला सॉल्व किया था। आप लोग अगर नया मिले का है अरिहंत का, ये कोई भी हम लोग का साइट पर मिल जाएगा या अपलाई में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाके ये बुक खरीद लीजिए और आराम से 3 से 4 बजे इसको सॉल्व कर जाइए सारा पेपर को, WBJ आराम से आप लोग का निकल जाएगा, इतना मेरा सिक्योरिटी है आप लोग को WBJ इस बुक कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग डेई मेंस का अगर पढ़ रहे हैं आप लोग तो ये नहीं हो सकता है एग्ज़ाम WBJ निकलेगा नहीं, उसके थ्रू भी आप लोग निकाल सकते हैं। बड़ा को पैटर्न जानना है आप लोग का, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो आप लोग इस बुक को जरूर कीजिएगा, अरिहंत का बुक है। बट अगर किसी को जेई मेंस तैयारी कर रहा है, कोई कोचिंग कर रहा है या कोई भी इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहा है, उसके थ्रू भी आप लोग आराम से WBJ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पढ़ के भी आप लोग WBJ निकल जाएगा। बट एक पैटर्न जानने के लिए अगर जानना है आप लोगों को तो ये बुक जरूर से जरूर कीजिएगा, राइट। और अगर कुछ भी डाउट रहे आप लोग इससे WBJ के बारे में तो मुझे आराम से पूछ सकते हैं, मुझसे अच्छा किसी को पता नहीं है WBJ के बारे में, क्योंकि WBJ थ्रू ही हम एडमिशन लिए हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में। कुछ भी डाउट रहे तो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल shubham_TWM पूछ सकते हैं या मेरे कमेंट सेक्शन में ही आप लोग पूछ सकते हैं। तो बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और बस चलिए बाय बाय।